इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीव का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद प्रसन्नता शांति स्वास्थ्य ध्यान भक्ति मैत्री प्रेम करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे स्वभाव के साथ हम प्रविष्ट होने को जा रहे हैं मंगल प्रभात के मंगल अनुभव में। प्रार्थना के माध्यम से दिव्य गायन की प्रक्रिया से दिव्य श्रवण की प्रक्रिया से जिसका प्रारंभ करेंगे आंखों के व्यायाम से। सबसे पहली प्रक्रिया पूर्ण दृश्य दर्शन अर्थात रीढ़ को सीधी रखे चेहरा सीधा आंखें खुली वॉच स्ट्रेट सीधा देखे। पूर्ण दृश्य दर्शन का अर्थ है दृश्य की लंबाई दृश्य की ऊंचाई दृश्य की गहराई एक साथ दर्शन करें। बाय वॉचिंग स्ट्रेट सीधा देखें। जितना दृश्य अनुभव कर सको आंख की क्षमता दृश्य की लंबाई ऊंचाई गहराई दर्शन करे अनुभूति करे। बाय वॉचिंग स्ट्रेट सीधा देखे। इस प्रक्रिया का असर आता है तीसरे नेत्र पर। जो भीतर के जगत को देखता है अंतर जगत को देखता है। बाहर जगत को देखने के लिए दो आंख भीतर के जगत को देखने के लिए एक आंख। ठीक से इस प्रक्रिया को किया जाए दो खुली आंख के साथ आप अपना अंतर जगत निरीक्षण कर सकते हो। अनुभव करो अभी शरीर पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर का वातावरण खुली आंखों के साथ। शरीर में कहीं भी पीड़ा है बेचैनी है दर्शन अनुभूति। कहां से पीड़ा प्रारंभ होती है कितने क्षेत्र में फैलती है कहां पर समाप्त हो जाती है। बहता हुआ शरीर नदी की तरह बदलता हुआ शरीर नदी की तरह प्रतिपल हर सांस उच्छ्वास के साथ। अभी अभी हमारा जन्म मां की पवित्र गोद बचपन किशोर अवस्था युवा अवस्था प्रौढ़ अवस्था वृद्ध अवस्था शरीर समाप्त। ये मृत्यु लोक में हमारे शरीर की यात्रा। शरीर के साथ मन मन को जाना प्रतिपल बदलता हुआ एक विचार कायम नहीं रहता। ठीक से दर्शन करो विचार रहेगा ही नहीं। पूर्ण दृश्य दर्शन विचार को विलीन कर देता है। यह प्रक्रिया दर्शन की शक्ति को प्रगाट करती है। जो बाधा है विचार वास्तविक जीवन का स्वाद जो प्रतिपल प्रकट हो रहा है प्रतिपल नया ताजा जीवन इसको कैसे इसका स्वाद ले सकते हैं हम इसकी प्रक्रिया पूर्ण दृश्य दर्शन विचार को विलीन कर देती है। हमारा संपर्क होता है ब्रह्म कमल से वास्तविक जीवन जो प्रतिपल हर सांस के साथ प्रकट होता है हमारे भीतर से। सांस उच्छ्वास के साथ बदलता हुआ मूड दर्शन करो अभी
दो प्रकार मूड के मुख्य, अच्छा लगना अच्छा न लगना, विद ओपन आइज खुली आंख के साथ दर्शन, बहिर जगत को देखते देखते भीतर के जगत का संपर्क, जगत के तीन महान असत्य, असत्य का अर्थ है जो कायम नहीं, जो अभी है अभी मिटा, शरीर मन इच्छा का क्षेत्र अर्थात विचार, विचार की प्रक्रिया, भाव दशा, अत्यंत विज्ञान का सिद्धांत समझे, और सत्य के साथ का संबंध जीव का, जीवन में दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय चिंता को प्रकट करता है। मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव, असत्य से ऊपर उठ जाना, परम सत्य के साथ एक हो जाना, परम सत्य को जानना समझना अनुभूति करना, प्रार्थना का सार हेतु लक्ष्य जो अभी हम कर रहे हैं करने को जा रहे हैं, आंखों के कुछ व्यायाम, ओपन द आइज मैक्सिमम जितनी खोल सके, वॉच स्ट्रेट नॉर्मल, क्लोज द आइज नॉर्मल सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट द आई मसल्स विद द फेशियल मसल्स जितना सिकुड़ सके, ये प्रक्रिया चेहरे के मसल्स में, चेहरे की सरफेस में, आंख की सरफेस में प्रातः काल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करती है, नॉर्मल, ओपन द आइज नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल, क्लोज द आइज नॉर्मल सिकुड़े, कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल, ओपन द आइज नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल, क्लोज द आइज नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम नॉर्मल, ओपन द आइज नॉर्मल मैक्सिमम नॉर्मल, वॉच लेफ्ट हैंड साइड चेहरा सीधा, केवल आई बॉल्स लेफ्ट हैंड साइड, आंखों का शुद्धिकरण सीखे, अनुभव करे स्वप्न रहित विचार रहित कल्पना रहित आंख, प्रातः काल में दिनचर्या में उतरने से पहले आंखों का शुद्धिकरण, स्ट्रेट, वॉच राइट हैंड साइड, आई बॉल स्थिर करें राइट हैंड साइड, स्ट्रेट लेफ्ट राइट, स्ट्रेट राइट लेफ्ट, स्ट्रेट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप डाउन स्ट्रेट डाउन अप स्ट्रेट अप डाउन स्ट्रेट डाउन अप स्ट्रेट लेफ्ट अप राइट डाउन स्ट्रेट राइट अप लेफ्ट डाउन स्ट्रेट लेफ्ट अप राइट डाउन
straight, right, up, left, down, straight, left, up, right, down, left, up, right, down, left, up, right, down, straight, right, up, left, down, right, up, left, down, right, up, left, down, straight. Open the eyes maximum. नॉर्मल कुछ प्रक्रिया इस तरह से करें, दो हाथों से आंखों को पूरा खोले, वॉच स्ट्रेट, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, अप डाउन स्ट्रेट, लेफ्ट up, right, down, straight, right, up, left, down, straight. फिर से एक बार watch straight, सीधा देखे, पूर्ण दृश्य दर्शन. दृश्य की शक्ति को उतरने दो अपने भीतर, प्राप्त करो शक्ति दृश्य से. प्रभात का पवित्र समय, नया ताजा सूर्य प्रकाश, नई ताजी भोर, नई ताजी हवा, नया ताजा वातावरण, कुछ भी पुराना नहीं, सब कुछ नया, सब कुछ ताजा, जो हमें छू रहा है. अनुभूति में उतरे बाय वॉचिंग स्ट्रेट. पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक बहुत सी तरंगे हमें छू रही है, बहुत सी तरंगे, कुछ जानी पहचानी, कुछ संपूर्ण अनजानी, नई ताजी, कुछ भी पुराना नहीं, अस्तित्व प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, परम समृद्ध अस्तित्व. इसमें हमारे जीवन की यात्रा, हर एक किरण सूर्य की नई ताजी जो हमें छू रही है. अनुभूति करें, प्राप्त करे शक्ति विद द ओपन आईज, आंखों से, कान से, पूरे शरीर से, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, भीतर का वातावरण शुद्ध करे, अनुभूति की प्रगाढ़ता को बढ़ाए, जितना अनुभव कर सके वातावरण विद ओपन आईज, पूरा शरीर का क्षेत्र शुद्ध करे, अंतर जगत का वातावरण प्राप्त करे, प्रभात की पवित्रता, सुंदरता, परमात्मा का स्वरूप, प्रतिपल प्रकट होता हुआ परमात्मा. अनुभूति करें, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक दर्शन करें, प्रभात को श्रवण करें, सुने, आंख बंद करने से पहले खुली आंख का अनुभव, पूर्णता, समग्रता, प्रवेश करेंगे अर्धनिमिलित आंख की स्थिति, अर्थात आधी खुली आंख, आधी मीची हुई आंख, नासिका, नाक का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न अभ्यास करें. अर्धनिमिलित आंख, ये प्रक्रिया भी अशांत मन को शांत कर देती है,
विचार का उपद्रव समाप्त कर देती है। स्वयं अनुभव करें, जब भी आप स्वयं अभ्यास करें ध्यान का, प्रार्थना का, जिस पे आप आंखों को बंद करें या खोलें, इस पे थोड़ी क्षण के लिए भी अर्धनिमिलित आंख की स्थिति धारण करेगी, ये प्रक्रिया को सजग करेगी, आपकी जागृति बढ़ाएगी, तभी अनुभूति करें। अब हम आंखों को पूरा बंद कर देंगे, पूरी आंखें बंद, आपका अपना अंतर जगत प्रविष्ट हो गया अपने विश्व में, आपका अपना विश्व ब्रह्मांड दर्शन करो। अब आंख का कुछ व्यायाम बंद आंखों के साथ, ये प्रक्रिया भी आंख का तेज बढ़ाती है, आंख के विकार मिटाती है, दर्शन की क्षमता को बढ़ाती है। अनुभव करें, वॉच स्ट्रेट, बंद आंख के साथ सीधा देखें, जितना दूर तक देख सकते अपने भीतर, वॉच स्ट्रेट, जितना दूर तक देख सके बंद आंख के साथ, भीतर का विस्तार। वॉच लेफ्ट हैंड साइड, आई बॉल्स ले जाए लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, स्ट्रेट राइट हैंड साइड, स्ट्रेट लेफ्ट, बंद आंख से व्यायाम करना है, राइट स्ट्रेट लेफ्ट राइट स्ट्रेट लेफ्ट राइट स्ट्रेट अप। आपके अंतर जगत की ऊंचाई अनुभूति करें, ऊपर देखें, स्ट्रेट डाउन, आपके अंतर जगत की गहराई धरती माता की ओर, बंद आंख से अनुभूति करें धरती माता, बंद आंख के साथ अनुभूति करें गहराई, धरती माता से हमारा प्रगाढ़ संबंध, अनुभूति करें बाय वॉचिंग डाउन, स्ट्रेट लेफ्ट बंद आंख के साथ, अप राइट डाउन स्ट्रेट राइट अप लेफ्ट डाउन स्ट्रेट लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट अप राइट डाउन लेफ्ट अप राइट डाउन स्ट्रेट वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे अनुभूत करें आत्मा का प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक जितनी अनुभूति कर सके प्राप्त करें, भीतर का अवकाश अर्थात आत्मा स्पेस, मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव, अंतर जगत का अनुभव, जितनी क्षमता बढ़ती चली जाएगी अभ्यास से। आत्मा के प्रकाश का दर्शन करें जो फैला हुआ है पूरे शरीर में, अनुभूति करें भीतर का जगत, ये जीवन केवल बाहर बाहर नहीं, ये जीवन का प्रागट्य हमारे भीतर से हर एक सांस के साथ प्रकट होता हुआ नया ताजा जीवन, हर उच्छ्वास के साथ समाप्त होता हुआ पुराना जीवन, परिचय बनाए सूक्ष्म जीवन से, अनुभूति करें
हर सांस के साथ खिलता हुआ नया ताजा जीवन का कमल प्राप्त करें ताजगी। मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव, ताजगी, नया ताजा प्रभात। आज के दिन को जीने से पहले, आज के दिन का रस पीने से पहले अंतर जगत का दर्शन, अनुभूति, हम स्वागत करेंगे नए जीवन का जो हम जीने को जा रहे हैं। पुराना जीवन समाप्त, जो जीवन हमने जिया, जी चुके, अनुभव किया, उसमें से क्या करने जैसा है उसे चुन लेना है। जो जीवन हमने जिया, अनुभूति की, उसमें क्या करने जैसा नहीं है, असार है, उसे छोड़ ही देना है। यह है बुद्धिमत्ता, द सेंस ऑफ विजडम। हम उतर रहे हैं स्वागत प्रार्थना में प्रगाढ़ता के साथ। प्रगाढ़ता का अर्थ है शरीर का पूरा उपयोग, शरीर संबंधित मन का पूरा उपयोग, शरीर संबंधित भाव शरीर का पूरा उपयोग। अनुभव करें स्वागत प्रार्थना प्रगाढ़ता के साथ। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे दिन का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे दिन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म। कीप द आईज ओपन, खुले रखे आंख, पूर्ण दृश्य दर्शन। स्वागत प्रार्थना समाप्त। अनुभूति करें जो प्रार्थना प्रकट हुई हमारे मुख से, हमारे भीतर से। सेंट्रलाइज, केंद्रस्थ, क्यों जरूरी है केंद्रस्थ हो जाना, सेंट्रलाइज हो जाना, ये अभ्यास क्यों जरूरी है। सोचे, मनन करे विद ओपन आइज। मैं बारंबार आपको कहूंगा सेंट्रलाइज, केंद्रस्थ हो जाए, आत्मस्थ हो जाए, क्या जरूरी है, ये अभ्यास क्यों जरूरी है। चिंतन करें, मनन करें विद ओपन आइज। प्रभात का पवित्र समय आमंत्रित करेंगे, निमंत्रित करेंगे पवित्र प्रेरणा शक्ति को। इस प्रक्रिया को ठीक से समझे। नमस्कार, प्रणाम, वंदन का विस्तार अनुभव करो। धारण करेंगे नमस्कार की स्थिति छाती के मध्य स्थान के पास, दो अंगूठों का प्रेम में स्पर्श छाती के साथ, दो हाथ की हथेलियों का प्रेम में स्पर्श। मैं आपके समक्ष आंख खुली रखे ताकि प्रक्रिया को ठीक से समझ सके। दो हाथों से ज्ञान मुद्रा रचेंगे, दो हाथ शांति से वर्तुलाकार घुमाते हुए, मजा लेते हुए गति का, दो हाथ ऊपर उठाएंगे, चेहरा भी ऊपर की ओर, आकाश की ओर। अभी आंखें खुली रखेंगे प्रक्रिया समझने के लिए, दो हाथ की हथेलियां आकाश की ओर। प्रभात का पवित्र समय, रीढ़ सिद्धि, चेहरा ऊपर की ओर। अब दो हाथों से शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर रचेंगे, दो हाथ जितना खींच सके, रीढ़ खींचे बैठे बैठे। नमस्कार, इससे ऊपर नहीं उठा सकते हम शरीर, ठीक से समझे। आध्यात्मिक विज्ञान भी नमस्कार इससे ऊपर नहीं जाता। नमस्कार, प्रणाम, वंदन की भौतिक रेंज विस्तार,
ये स्थान है सहस्रार चक्र का, अर्थात तेजोमय जगत जहां से प्रारंभ होता है, सरीश्वर की मंदिर का शिखर, पवित्र प्रेरणा शक्ति संपर्क बनाना शुरू करती है, मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव। दूसरा पवित्र स्थान त्रिनेत्र, दो भ्रमर के बीच दो अंगूठों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करे। प्रणाम, वंदन, छाती के मध्य स्थान के पास फिर से दो अंगूठों का प्रेम में स्पर्श छाती के साथ अनुभव करे, दो हाथ की अतिलियों का प्रेम में स्पर्श अनुभव करे। ये प्रक्रिया भीतर का असंतुलन शक्ति का मिटाती है, संतुलित स्थिति प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया से जीवन की गति के लिए अद्भुत प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया। अब हम उतरेंगे गायत्री मंत्र का उच्चारण खुली आंख के साथ, जिसकी मुद्रात्मक अभिव्यक्ति कहो, नृत्यात्मक अभिव्यक्ति कहो, मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूं। हाथ की पांच अंगुली जो पंच महाभूत का प्रतिनिधित्व करती है, पंच महाभूत जिससे हमारा शरीर प्रकट है, जैसे धरती का अंश, आकाश का अंश, अग्नि, वायु, पानी, ये पंच मुख्य तत्व हमारे भीतर जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है ये अंगुली, इसे हम स्पर्श करेंगे त्रिनेत्र के पास, दो भ्रमर के बीच। आंखें खुली रखें ताकि ठीक से गायत्री मंत्र समझ सके। यहां पर हम ओंकार प्रकट करेंगे एक आवर्तन प्रगाढ़ता के साथ। प्रगाढ़ता का अर्थ है शरीर का पूरा उपयोग, शरीर संबंधित मन का पूरा उपयोग, शरीर संबंधित भाव शरीर का पूरा उपयोग अनुभव करो। खुली आंख के साथ गायत्री मंत्र, ओ दर्शन सेंट्रलाइज केंद्रस्थ। शांति मंत्र हमारे मुख से प्रकट हुआ, गायत्री मंत्र हमने प्रकट किया, अस्तो मा सद्गमय प्रकट किया मंत्र, इसका असर इसके बाद मौन। शांति मंत्र के बाद मौन जरूरी। अब आप करो शांति की अनुभूति जितनी क्षमता। शांति शरीर के तल पर, विद ओपन आइज। शांति मन के तल पर, शांति भाव शरीर के तल पर, तीनों आत्मा का ही विस्तार, शरीर
मन भाव शरीर आत्मा की ही शक्ति प्रकट शक्ति अनुभव करो शांति विदोपनाइस ये प्रक्रिया वातावरण में शांति की तरंगों को बढ़ाती है। आज के दिन को जीने से पहले शांति की अनुभूति ताकि हम जीवन की प्रगाढ़ता ठीक से अनुभव कर सके। अशांति में हम जीवन की प्रगाढ़ता को अनुभव नहीं कर सकते, हम ऊपर ऊपर जीते हैं। शांति से जीने से जीवन जीने के साथ साथ संतोष बढ़ता जाता है, जीने का परिपूर्णता बढ़ती जाती है। धारण करेंगे फिर से अर्धनिर्मित आंख अर्थात आधि खुली आंख आधि बंद आंख। नासिका नाक का अग्रभाग देखने का टेंशन रहित प्रयत्न, दिखे तो भी ठीक न दिखे तो भी ठीक लेकिन प्रयत्न जारी देखने का। इस प्रक्रिया से दो आई बॉल्स एक केंद्र पर स्थिर होते हैं जिसके कारण विचार की प्रक्रिया स्टॉप हो जाती है। हम वास्तविक जीवन के संपर्क में आते हैं जो प्रतिपल नया है, प्रतिपल ताजा है, कुछ भी पुराना नहीं इस जगत में प्रतिपल। अब आंखों को पूरा बंद कर देंगे, अनुभूति करें शांति। शांति मंत्र के प्रागट्य के बाद मौन जरूरी, रीढ़ सिद्धि, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद। मैं विविध रूप से आपको अनुभूति करने की कला बताऊंगा जो आपको रुचिकर लगे अच्छी लगे। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, शरीर के तल की शांति। शांति मंत्र में शांति शब्द के तीन आवर्तन, शरीर के तल की शांति, मन के तल की शांति, भाव शरीर के तल की शांति। जितनी क्षमता आपकी बढ़ती चली जाएगी अनुभूति करने की शांति की। प्रकट करेंगे मंगल प्रार्थना। जो मृत्यु लोक में हम जीवन की यात्रा कर रहे हैं, अस्तित्व के सर्व घटक जो हमारे जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, पानी, सबका मंगल हो। सूक्ष्म जीव से लेकर मनुष्य तक सबका मंगल हो, यात्रा हो सबकी। मेरे दोस्त की यात्रा जीवन की तो मंगलमय हो ही हो। मैं जिसे दुश्मन मानता हूं, जिसके लिए मेरे भीतर दुश्मनी का भाव रहता है, उसका भी जीवन मंगलमय हो। ये प्रातःकाल की मंगल प्रार्थना का गूढ़ार्थ। पूरी प्रगाढ़ता के साथ हम उतर रहे हैं मंगल प्रार्थना में। प्रगाढ़ता का अर्थ है शरीर का पूरा उपयोग, शरीर संबंधित मन का पूरा उपयोग जितना हम कर सके, शरीर संबंधित भाव शरीर का पूरा उपयोग। ये प्रक्रिया नकारात्मक मूड को हकारात्मक मूड में बदल देती है। भीतर की नकारात्मक शक्ति जो बर्डन पैदा कर रही है हमारे भीतर, जिसके कारण पैदा होता है हताशा, निराशा, भय, चिंता, जीवन जीना अच्छा न लगना, ये शक्ति रूपांतरित हो जाती है विधायात्मक शक्ति में, अर्थात जीवन जीने का उत्साह प्राप्त होता है। ठीक से उतरे गायन की प्रक्रिया में, देखे
क्या असर होता है। इस प्रक्रिया में आंख खुली रखो, बंद रखो, आपकी स्वतंत्रता। नृत्य में भी उतर सकते हैं पूर्णता के साथ, पूरा मजा ले मंगल प्रार्थना का। मंगलम, देह मंगलम, देह मंगलम, मनो मंगलम।
ऐसे दर्शन अनुभूति करें खुली आंखों के साथ जो मंगल प्रार्थना हमारे मुख से प्रकट हुई सर्व अस्तित्व के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए, सर्व घटक के लिए, सर्व जीवों के लिए, इसका असर प्राप्त करें। मंगलमय शक्ति जिसका केंद्र हो जाते हैं हम, सर्व दिशाओं से मंगलकारी भावनाएं हमारी ओर बहती है, प्राप्त करें मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव। किस तरह से मंगलमय शक्ति को प्राप्त करना है मैं आपको एक बताता हूं। प्रातःकाल का पवित्र समय मंगल प्रार्थना आपने प्रकट की सर्व जीवों के लिए, सर्व जीवों के जीवन की यात्रा मंगलमय हो, मित्र की भी यात्रा मंगलमय, दुश्मन की भी यात्रा मंगलमय। अब आप स्वयं अनुभूति करें मंगलमय जीवन अभी, इसका असर पूरी दिनचर्या पर, आज का पूरा दिन मंगलमय अनुभव करो। किस तरह से प्रत्येक दिन को मंगलमय बनाना है, रीत सीखे सिखाए, इस पृथ्वी पर ज्ञान को फैलाने में हम सब सहायभूत हो, जिसे मदद की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, उसे मिलना चाहिए। अर्धन मिलित आंख, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख प्रविष्ट हो जाए अपने अंतर जगत में, पूरा अंतर जगत आपका अपना। ध्यान की स्थिरता दो भ्रमर के बीच अनुभूति करे, दर्शन करे अंतर जगत, प्राप्त करे मंगलमय शक्ति। आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल सेंट्रलाइज होने की कला सीखनी है। जितनी क्षमता, केंद्रस्थ होने की, ध्यानस्थ होने की जितनी क्षमता बढ़ती चली जाती है अभ्यास के साथ, जो हम कर रहे हैं, करने को जा रहे हैं। अंतर जगत को देखे, आपका अपना अंतर जगत, आपका अपना विश्व ब्रह्मांड, प्रत्येक व्यक्ति का अपना ब्रह्मांड। इस पृथ्वी पर कैसे कोई दरिद्र हो सकता है, गरीब हो सकता है? अगर है गरीबी तो ये हमारी नासमझी है। परिचय बनाए अपने अंतर जगत से, प्रातःकाल का पवित्र समय स्वयं को जानना, स्वयं के अंतर जगत को जानना परम संपदा को प्राप्त करना। परम संपदा का अर्थ है जो बांटने से घटती नहीं, जो बांटने से बढ़ती है, शांति, प्रेम, करुणा, मित्रता बांटने से घटेगी नहीं। प्रातःकाल में हम प्राप्त करें, हम समृद्ध हो, परम समृद्ध, ताकि पूरी दिनचर्या में हम लूटा सके अपने को। ये जीवन स्वयं को लूटाने का परम अवसर, जो हमें खोना नहीं है। शरीर बचेगा नहीं, कितना ही बचाए हम, इसलिए शरीर का सही रास्ते पर ठीक से पूरा उपयोग करने की कला सीखनी है। इसे कहते हैं दिव्य कला। शरीर का कण कण प्रज्वलित हो जाना शरीर की समाप्ति से पहले, उतर रहे हैं समाधि के अनुभव में। समाधि का अर्थ समाधान, जीवन के सारे प्रश्न समाप्त, जीवन की सारी समस्याओं का असर हमारे ऊपर समाप्त, इसे कहते हैं समाधि। परिचय बनाए समाधि से, प्रक्रिया है पूर्ण श्रवण। आपको क्या करना है, आपकी रीढ़ सिद्धि, चेहरा सीधा, ध्यान का केंद्र दो भ्रमर के बीच। आपको करना है केवल श्रवण, जो मेरे मुख से शब्द प्रकट होते हैं आपके अंतर जगत में प्रविष्ट होते हैं, आपके भीतर क्या असर होता है, आपको केवल देखना है भीतर,
सुनना है, अनुभूति करना है। मैं आपको ले चलता हूं समाधान की ओर। इस प्रक्रिया को कहते हैं समाधि। मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव, जीवन के व्यवहार में उतरने से पहले प्रातः काल में समाधि का अनुभव करो। किस तरह से रहता है आप स्वयं अनुभव करें। न कुछ भी पाने की चाहना, न कुछ भी पाने की इच्छा, न कुछ भी पाने की आकांक्षा रही, न कुछ भी खोने का डर, न कुछ भी खोने का भय, न कुछ भी खोने की चिंता रही। न सुख को पाने की कोई इच्छा, न सुख को पाने की कोई चाहना, न सुख को पाने की कोई आकांक्षा रही। न दुखी होने का कोई डर, न दुखी होने का कोई भय, न दुखी होने की कोई चिंता रही। अनुभव करो शिवोहम अवस्था, समाधि का दूसरा नाम। न मान पाने की कोई चाहना, न सम्मान पाने की कोई इच्छा, न सम्मान पाने की कोई आकांक्षा रही। न अपमानित होने का कोई डर, न अपमानित होने का कोई भय, न अपमानित होने की कोई चिंता रही। अनुभूति करो प्रबुद्ध अवस्था, समाधि का दूसरा नाम। न जीतने की कोई भी इच्छा, न जीतने की कोई भी आकांक्षा, न जीतने की कोई भी अपेक्षा रही। न हारने का कोई डर, न हारने का कोई भय, न हारने की कोई चिंता रही। अनुभूति करे अरिहंत अवस्था, समाधि का दूसरा नाम। न मित्रता की कोई अपेक्षा, न मित्रता की कोई इच्छा, न मित्रता की कोई आकांक्षा रही। न शत्रुता का कोई भय, न शत्रुता की कोई चिंता, न शत्रुता का कोई डर रहा। अनुभव करे ज्ञान सबर अवस्था, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त। जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट। अनुभूति करे ज्ञान सबर अवस्था। न फरियाद बची इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए, न फरियाद रही इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए, न फरियाद बची इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए, न फरियाद रही इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपस्थित है, जो कुछ भी उपलब्ध है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट।
जग उजियारा छाए, जग उजियारा छाए। गायन की प्रक्रिया ठीक से समझे, इसका विज्ञान। गायन प्रकट होता है हमारे मुख से, इसके ऊपर शक्ति के तीन केंद्र, तीन क्षेत्र शक्ति के। मुख के नीचे पांच शक्ति क्षेत्र, इसका शुद्धिकरण, गायन, कलात्मक प्राणायाम, अनुभूति करे गायन। शुद्धिकरण से क्या हो जाएगा, जैसे जैसे अंतर जगत शुद्ध होता है, शरीर का तल, मन का तल, भाव शरीर का तल, प्रसन्नता की प्राप्ति, डलनेस दूर, हताशा दूर, निराशा दूर, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार समाप्त, अनुभव करें गायन की प्रक्रिया। जग उजियारा छाए, जग उजियारा छाए, मन का अंधेरा जाए, मन का अंधेरा जाए, किरणों की रानी गाए, किरणों की रानी गाए, जागो है मेरे मोहन प्यारे, जागो रे जागो रे सब कलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे सब गलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे सब गलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो मोहन प्यारे, जागो नव युग चूमे नैन तिहार तिहारे, जागो सब गलियां जागी, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे सब गलियां जागी, नगर नगर सब गलियां जागी, जागो रे जागो रे जागो रे, जागो रे जागो रे जागो रे, जिसने मन का दीप नव युग जो
Centralized with open eyes. Prakriya samap. Prakriya ka anubhav. Koi kriya nahi. Jis din ye sharir samap, us din sari kriyaen samap. Phir agar hum gaana chahenge, hum ga nahi payenge. Jab tak ye sharir hamare haath mein hai, iska pura upyog. दोनों को समझेंगे, अनुभव करेंगे, क्रिया भी अक्रिया भी, दोनों आत्मा की शक्ति का विस्तार, समग्रता, दिन रात, सुख दुख, क्रिया अक्रिया। अनुभव करो मौन विद ओपन आइज, खुली आंख के साथ भी अनुभव करो मौन, निःशब्दता, कोई शब्द नहीं। जो गीत हमें गाना था गा लिया, जो भाव अभिव्यक्त करना था, जितनी हमारी क्षमता गले की हमने गाया, जितनी हमारी क्षमता भाव प्रकट करने की हमने भाव प्रकट किया, भीतर का शुद्धिकरण, भीतर की सुसुप्त शक्ति को जगाना प्रातः काल में, गाने की प्रक्रिया, परिचय बनाए, अपने को हल्का फुल्का करे, स्ट्रेसलेसनेस, किस तरह से अच्छा न लगना सबको खोज करनी है अपने जीवन में, और औरों को मदद करनी है, अच्छा न लगना उसे कैसे अच्छा लगने में बदलना है, वन ऑफ द प्रक्रिया इज गाना प्रातः काल में। अनुभूति करे गायन, जो प्रकट हुआ इसका असर है, विद ओपन आइज आप देख रहे हो, प्रक्रिया है सीधा देखना, यहां वहां नहीं, यहां वहां देखा मन प्रकट हो जाएगा, विचार प्रकट, विचार की प्रक्रिया वास्तविक जीवन से हमें वंचित रखती है, दूर रखती है। इसके कारण जैसे जैसे मनुष्य जीता जाता है असंतोष बढ़ता जाता है, संतोष नहीं, इसका कारण है मन प्रोत्साहित हो रहा है, विचार की प्रक्रियाएं प्रोत्साहित हो रही है, जो विलीन होनी जानी चाहिए। आदर्श जीवन, आदर्श भविष्य, उम्र के साथ साथ
विचार की संख्या घटनी चाहिए, सही जीवन जीने का तरीका खोजे स्वयं। मैं अनेक रीत बताता हूं आपको, देख भी रहे हो जीवन समग्रता, सुनो भी प्रभात का संगीत, दो कानों से दो कान के द्वार पूरे खोल दो, जितना दूर तक आप सुन सकते हो सुनो विद ओपन आइज। बंद आंखों से हमने ये अभ्यास किया, अब खुली आंखों के साथ आंखों की स्थिरता, कान से श्रवण सुन, जितनी दूर तक की ध्वनि आवाज आप सुन सकते हो उतरने दो अपने भीतर। अंतर जगत का अवकाश विस्तार बहिर्जगत के साथ जोड़ो, कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से, अनुभूति से, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक अनुभूति की प्रक्रिया जो वातावरण में छू रहा है, प्रतिपल नया ताजा जीवन हमें छू रहा है। क्या कमी है जीवन में, इतना समृद्ध जीवन, ये अस्तित्व इतना समृद्ध, सब कुछ नया, सब कुछ ताजा, प्रतिपल प्राप्त करो ताजगी अनुभूति से, दर्शन से, श्रवण से। पूर्ण श्रवण की प्रक्रिया कोई अर्थघटन नहीं, अर्थघटन हमारी पुरानी हैबिट, टेव, आदत, इससे ऊपर उठे, नई कला सीखे, कोई अर्थघटन नहीं, केवल सुने, अभी अभ्यास करे। यह अभ्यास आपको बहुत काम आएगा दिनचर्या में, जीवन की विविध परिस्थितियों में, किसने गाली दी, निंदा की, हमारे भीतर से गुस्सा आता है, इसका कारण इतना ही है, हमारा श्रवण अधूरा है, एनालिसिस अर्थघटन प्रकट हो गया, ये गाली है, ये बुरा है, ये निंदा है, कोई प्रशंसा करता है, हमारे भीतर से अहंकार जाग जाता है, अच्छा लगता है। अर्थघटन से ऊपर पूर्ण श्रवण कहते हैं इसे, आध्यात्मिक प्रक्रिया, केवल सुनो, विस्तार के साथ एक हो जाना, प्रक्रिया का सार हेतु विस्तार हो जाना, परम विस्तार के साथ एक हो जाना, जिसका दूसरा नाम परमात्मा। दिनचर्या में उतरने से पहले मंगल प्रभात का मंगलमय अनुभव, परमात्मा का अनुभव, परम शक्ति का अनुभव, परम विस्तार का अनुभव, जो भी आप कर रहे हो, करने को जा रहे हो, स्वीकार। अवकाश का लक्षण अस्वीकार, मन का लक्षण स्वीकार, आत्मा का लक्षण। यहां पर खुली आंख के साथ अनुसरण करें, अनुभूति करें आत्मा की शक्ति, स्वीकार प्रार्थना से, मैं। मेरे जीवन के, मेरे जीवन के सारे सुख, सारे सुख एवं सारे दुख, एवं सारे दुख पूर्णता से, पूर्णता से स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे जीवन के, मेरे जीवन के सारे मान, सारे मान एवं सारे अपमान, एवं सारे अपमान समग्रता से, समग्रता से स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं मेरे जीवन के, मेरे जीवन की सारी हार, सारी हार एवं सारी जीत, एवं सारी जीत समग्रता से, समग्रता से स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ।
मेरे सर्व जीवन में, मेरे सर्व जीवन में जो मुझे अपना अपना शत्रु मानते आए हैं, शत्रु मानते आए हैं, मेरे सर्व जीवन में, मेरे सर्व जीवन में जो मुझे अपना अपना मित्र मानते आए हैं, मित्र मानते आए हैं, मैं दोनों का पूर्णता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ मैं मेरे पूरे जीवन का पूर्णता के साथ समग्रता के साथ स्वीकार करता हूँ पूर्ण श्रवण प्रक्रिया का दूसरा नाम स्वीकार अर्थात अंतरावकाश का संपर्क, अंतरावकाश की अनुभूति, पूर्ण श्रवण अर्थगठन से ऊपर हम सुनते हैं जगन्नाथ को, जगन्नाथ जी का संगीत गायन। पूर्ण श्रवण प्रक्रिया चॉइस इज योर्स, आंख खुली रखे, बंद रखे या दोनों रीत से श्रवण की प्रक्रिया में उतरे। जन 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 जन
जीरे यमुना तीरे मैं तो चली धीरे धीरे मानसिक प्रक्रिया में उतरेंगे जिसके लिए आंखों का बंद होना जरूरी ताकि आपको स्मरण करना आसान रहे। स्मरण करें रात्रि का भोजन। मेरे कुछ प्रश्न सवाल सुने, देखे आपके अंतर जगत से क्या जवाब आता है। भोजन में उतरने से पहले भूख का दर्शन किया, अनुभूति की, भोजन आपने पूर्ण मौन अवस्था में ग्रहण किया या उलझे उलझे बातचीत में मोबाइल चलाते चलाते बातें करते करते। ठीक से स्मरण करें रात्रि भोजन। भोजन दरमियान आपके भीतर क्या भाव दशा रही, प्रेमपूर्ण भाव, चिंता का भाव, क्रोध का भाव। ठीक से स्मरण करें रात्रि भोजन जिसका गहरा संबंध निद्रा के साथ। भोजन आपने उतना ही ग्रहण किया जितनी शरीर की जरूरत थी या स्वाद के लोभ के कारण जरूरत से ज्यादा भोजन कर लिया या स्वाद अच्छा न लगने के कारण जो शरीर की जरूरत थी उससे कम भोजन लिया। स्मरण करें भोजन के बाद संतृप्ति का दर्शन किया, भूख का मिट जाना, संतृप्ति, एक भी कौर और खाने की इच्छा न होना। ये बात आपने दर्शन की। भोजन के बाद आपके शरीर की कैसी स्थिति रही, स्मरण करें। भोजन के बाद आपकी भाव दशा कैसी रही, प्रसन्नचित, डलनेस, बीमार बीमार मूड, हल्का फुल्का मूड,